वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11th की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की बुक 2 में फ्लूट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूट्स। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी दोबारा पढ़ेंगे अपने हायर एजुकेशन कोर्स में। स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, ये टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना है और दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सो एक बार पढ़कर जब भी ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा कहीं पर या लिखा हुआ, आप देखेंगे वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। कौन सी? लेट्स सी। स्ट्रीमलाइन फ्लो, आर्टिकल 10.3। सो फार वी हैव स्टडीड फ्लूइड्स एट रेस्ट। अभी रेस्ट पर था, उसमें कोई ऑब्जेक्ट हम डुबोते भी थे तो जो फोर्सेस लगते थे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर था। द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स पर हम वापस से जाएंगे जब हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे, अभी डायनामिक्स में आ गए हम। व्हेन ए वाटर टैप इज टर्न्ड ऑन स्लोली, तो नल खोला आपने, द वाटर फ्लो इज स्मूथ इनिशियली, तो जो पानी की धार आप देखते हैं वो स्मूथ होती है इनिशियली, बट लूजेज इट्स स्मूथनेस व्हेन द स्पीड ऑफ द आउटफ्लो इज इंक्रीज्ड। जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा खोलते हैं या पानी प्रेशर से निकलना शुरू होता है, वेलोसिटी से निकलना शुरू होता है, आउटफ्लो इज इंक्रीज, ये स्मूथनेस खत्म हो जाती है। इन स्टडिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड्स वी फोकस आवर अटेंशन ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो उसकी हम बात करेंगे। द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, स्टेडी करंट, डीसी करंट, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं होता था टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते थे स्टेडी करंट। इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम, समय तो बीत रहा है उसके साथ उस पॉइंट से गुजरने वाला हर पार्टिकल सेम स्पीड से अगर गुजर रहा है तो बोलेंगे स्टेडी फ्लो। This does not mean that the velocity at different points in space is same. अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। The velocity of a particular particle may change as it moves from one point to another. That is, at some other point, a particle may have different velocity, but every other particle which passes the second point behaves exactly as the previous particle that has just passed that point. ऐसा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन है। एक्चुअल में स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता, फ्लो तो लैमिनार होता है, परतदार, लैमिनार परत की फॉर्म में, पर स्ट्रीमलाइन इसको हम कह देते हैं। एक लाइन अगर हम खींचे उसके उसकी ट्रेजेक्ट्री को, उसको ट्रेस करते हुए, उसके पाथ को ट्रेस करते हुए, तो उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ईच पार्टिकल फॉलोज ए स्मूथ पाथ and the paths of the particles do not cross each other. कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं फिगर ए है, फिगर बी है। मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ए टिपिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, वो हमने यहाँ पे देखा। बी ए रीजन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इस पूरे रीजन में फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन है। और एक टिपिकल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा पाया तो जस्ट एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, सो जस्ट सी द वीडियो एंड फील द स्ट्रीमलाइन। ओके,
पेज नंबर 253 पर द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो इज ए स्ट्रीमलाइन. इट इज डिफाइंड एज ए कर्व हूज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. कंसिडर द पाथ ऑफ ए पार्टिकल एज शोन इन फिगर 10.7a. जो अभी अभी हमने देखी थी. द कर्व डिस्क्राइब्स हाउ ए फ्लूइड पार्टिकल मूव्स विद टाइम. The curve PQ is like a permanent map of fluid flow, indicating how the fluid streams, यानी किस तरह से ये fluid बह रहा है. No two streamlines can cross, for if they do, an oncoming fluid particle can go either one way or the other, and the flow would not be steady. ये ठीक वैसे ही है बच्चों जैसे किसी मार्च पास्ट में सैनिक कदम ताल मिलाकर चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. तो यहां पर कोई कंफ्लिक्ट होने की कोई आशंका नहीं है. पीछे वाला सैनिक एग्जैक्टली आगे वाले सैनिक से बिल्कुल मैच करते हुए चलेगा. हैंस इन स्टेडी फ्लो द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम. हाउ डू वी ड्रॉ क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रीम लाइन्स. पास पास भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. इफ वी इंटेंड टू शो स्ट्रीम लाइन ऑफ एवरी फ्लोइंग पार्टिकल वी वुड एंड अप विद अ कंटिन्यूम ऑफ लाइंस. तो ये क्या होता है कंटिन्यूम ऑफ लाइंस, वो आप टाइप करें, उसकी इमेज आप देख सकते हैं. कंसिडर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो. एग्जाम्पल एट थ्री पॉइंट पी आर एंड क्यू इन फिगर 10.7b. अगर हम ये तीन पॉइंट्स कंसिडर करें, P यहां एंट्री, R बीच में, Q एग्जिट पर, तो किसी इंस्टेंट पर किसी सेकंड पर जितना फ्लूइड एंटर कर रहा है इधर उतना ही फ्लूइड यहां पे फ्लो हो रहा है, उतना ही फ्लूइड यहां से निकलेगा. तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां स्ट्रीम लाइन्स पास पास आ जाएंगी, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है स्ट्रीम लाइन्स दूर दूर हो जाएंगी. सो इस फिगर के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं थ्री पॉइंट्स पी आर एंड क्यू. द प्लेन पीसेस आर सो चोजन दैट देयर बाउंड्रीज बी डिटरमाइंड बाय द सेम सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन्स. दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग द सर्फेसेस एज इंडिकेटेड एट पी आर एंड क्यू इज द सेम. इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एट दीज पॉइंट्स आर, मान लेते हैं ए सबस्क्रिप्ट पी, ए सबस्क्रिप्ट आर, ए सबस्क्रिप्ट क्यू है, एंड द स्पीड्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स वीपी वीआर एंड वीक्यू है, देन मास ऑफ फ्लूइड, मास को किसे दिखाया हमने एमपी, क्रॉसिंग एट एपी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी. तो ये साथ में पॉइंट ए हमने यहां मार्क कर दिया, ये सिंबल कर दिया उसका. तो वो कितना हो जाएगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब डेंसिटी तो आगे रॉ, वॉल्यूम के लिए आ गया पर सेकेंड अगर बात करें, या टी से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो ए इंटू वी, ए इंटू वी में पर सेकेंड आ जाता है, तो टाइम से मल्टीप्लाई किया उसको हमने. तो ये जो फॉर्मूला आ गया रॉ ए वी टी, इसमें इस ए को आप भूल जाएं, ये पार्टिकल ए पॉइंट ए के लिए है. दिस इज नॉट एरिया, एरिया ये वाला ए है, ठीक है. ये ए जिस पे डबल डॉट लग रहे हैं ये पार्टिकल ए की बात हम कर रहे हैं, यानी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे. सिमिलरली मास ऑफ फ्लूइड जो कि R पॉइंट पर है MR, उसके लिए भी हम सिमिलर रिलेशन लिख सकते हैं. बस अंतर ये आएगा कि वेलोसिटी R पॉइंट पर हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R पॉइंट पर, और डेंसिटी R पॉइंट. अगर वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो डेंसिटी भी सेम आ जाएगी पी आर और क्यू पर. ऐसे हमने क्यू पॉइंट के लिए लिखा. तो the mass of liquid flowing out equals the mass flowing in holds in all cases. ये तो ऐसा तो है ही सही, क्योंकि अगर ज्यादा निकल रहा है, मान लो पानी है, तो हमारी जो पानी की समस्या है, पानी की कमी से हम जो जूझ रहे हैं, वो समस्या हल हो गई, यानी पानी वहां पे जनरेट हो रहा है, तो पानी पैदा कर लिया हमने. और अगर कम निकल रहा है तो आगे समस्या आने वाली है, क्योंकि वो जो पाइप है वो फूल के फट जाएगा, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है कम निकल रहा है. तो ऐसा दोनों ही सिचुएशन ऐसी नहीं है. तो सिचुएशन क्या है, जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा. तो हम इन तीनों को इक्वेट कर देते हैं बच्चों, फॉर फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. और अगर इनकम्प्रेसिबल है
तो तीनों केस में, तीनों पॉइंट्स पर डेंसिटी भी सेम होने वाली है, तो इक्वेशन 10.9 रिड्यूस हो जाती है और अब हमें मिलता है a इंटू वी एट p इक्वल टू a इंटू वी एट r इक्वल टू a इंटू वी एट q। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी बहुत काम आती है, ये हमें बताती है कि जहां पर एरिया बढ़ जाएगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। गहरा पानी धीमे बहता है, उथला पानी जो कम गहरा है उसको बोलते हैं उथला, उथला पानी तेज बहता है, ये हमने देखा नदी नालों में। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप मेरी बात समझ पाएंगे, और इस पे कहावत भी बनी है, गहरे पानी पैठ, यानी जिसके व्यक्तित्व में गहराई होती है, ग्रेविटी होती है, वो छोटी मोटी बातों पे विचलित नहीं होता है। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इन जनरल। ए इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, ए इंटू वी गिव्स द वॉल्यूम, फ्लक्स और फ्लो रेट। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम फ्लक्स, तो एक नई टर्म है, अंडरलाइन कर लीजिए, और फ्लो रेट इसको हम कहते हैं, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ फ्लो। फ्लो रेट क्यों, अगर गौर से देखो तो एरिया और वेलोसिटी, इसमें डायमेंशन की बात अगर मैं करता हूँ, एरिया और वेलोसिटी अगर मैं इसमें डायमेंशन की बात करता हूँ बच्चों, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये है एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, सो इट बिकम्स फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट बन रही है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे ये बन गई फ्लो रेट। ओके, वापस चलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स और फ्लो रेट, तो फ्लो रेट को हम वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं, माइंड इट, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ फ्लो, दस एट नैरोअर पोर्शंस, जहां पे सकड़ा भाग आएगा, जैसे दिस इज नैरो पोर्शन, वेयर द स्ट्रीम लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड, पास पास आ जाएंगे स्ट्रीम लाइन्स, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जहां ब्रॉड पार्ट आएगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये हम देखते हैं कि जो कम गहरा पानी होता है वो तेजी से बहता है। फ्रॉम फिगर 10.7 बी इट इज क्लियर दैट ए आर ग्रेटर देन ए क्यू, सो वी आर लेस देन वी क्यू, यहां पर वेलोसिटी कम हो जाएगी बच्चों। द फ्लूड इज एक्सेलरेटेड वाइल पासिंग फ्रॉम आर टू क्यू, और आर से क्यू जाएगा तो फिर एक्सेलरेट होगा। This is associated with a change in pressure in fluid flow in horizontal pipe. Velocity के साथ साथ आप देखेंगे अगर ये horizontal pipe है जिसमें energy में कोई change नहीं हो रहा है, तो definitely pressure energy में change होगा, नहीं pressure में change होगा। अब ये कहाँ से term आ गई, उसको हम बर्नौली principle में समझेंगे आगे। Steady flow is achieved at low flow speeds. जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लैमिनार फ्लो भी इसको बोलते हैं, लैमिनार टर्म यहाँ पे यूज नहीं हुई, मैं यूज कर रहा हूं परत, लैमिना बोलते हैं परत को, तो लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो लो स्पीड पर ही, लो फ्लो स्पीड पर ही अचीव होगी, बियॉन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, उस स्पीड को हम नाम देंगे क्रिटिकल स्पीड, और उसके लिए हम एक नंबर भी डिफाइन करते हैं, पढ़ेंगे आगे, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, वही लिखने वाला जो पेन होता है, पेन वाली जो कंपनी रेनॉल्ड, हमारे टाइम में बहुत फेमस था, सबके पास रेनॉल्ड्स के पेन पेन हुआ करते थे, तो रेनॉल्ड नंबर से ज्यादा नंबर होता है तो वो फ्लो जो है स्टेडी नहीं रह पाता। दिस फ्लो लूजेज स्टेडीनेस एंड बिकम्स टर्बुलेंट, तो नई टर्म क्या आ गई टर्बुलेंट, तो फ्लो लैमिनार से या स्ट्रीमलाइन से कैसा हो जाएगा टर्बुलेंट। वन सीज दिस व्हेन ए फास्ट फ्लोइंग, बाढ़ के समय नदी नाले का जो प्रवाह होता है ये टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, या यू मान लें बस स्टैंड, ऐसा बस स्टैंड जहां पर जो यात्रीगण हैं वो बिल्कुल भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, यानी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, कोई सा भी बस आई तो जिसको जहां से जगह मिली, कोई खिड़की से जा रहा है, कोई दरवाजे से, कोई छत पर बैठ रहा है,
सब दौड़ पड़ते हैं बस की तरफ जगह रोकने के लिए, तो फ्लो कैसा बन जाएगा उनका? टर्बुलेंट। व्हेन स्ट्रीम एनकाउंटर्स रॉक्स, रास्ते में चट्टाने आ गई, स्मॉल फोमी वर्लपूल लाइक रीजन्स कॉल्ड व्हाइट वाटर रैपिड्स आर फॉर्म। फिगर 10.8 डिस्प्लेज स्ट्रीम लाइन फॉर सम टिपिकल फ्लोज, फॉर एग्जाम्पल 10.8 ए डिस्क्राइब द लैमिनार फ्लो। अब यहाँ पे नाम आया लैमिनार फ्लो, वेयर द वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्लूड मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट द डायरेक्शन आर पैरेलल। तो डायरेक्शन पैरेलल है तो बोलेंगे लैमिनार। 10.8 बी गिव्स स्केच ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। ये टर्बुलेंट फ्लो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। सो हैप्पी लर्निंग।